हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस एक्सरसाइज 6.1 क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। स्टूडेंट यहां पर कहा है कि विदाउट एडिंग आप ऐड मत करिए कि 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, इस तरह से ऐड मत करिए। विदाउट एडिंग आप सम फाइंड करिए। तो देखिए कैसे फाइंड करें। फर्स्ट है स्टूडेंट 1 + 3 + 5 + 9 + 11। स्टूडेंट यहां पर ऐड नहीं करना है, विदाउट एडिंग आपको आंसर देना है। तो इसके लिए देखिए क्या मेथड है। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें कि यहां जो भी नंबर आएंगे स्टूडेंट वो सभी ऑड नंबर होंगे, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होंगे। स्टूडेंट देखिए 1 after this 3 after this 5 9 11। तो इसको विदाउट एडिंग सम फाइंड करने के लिए जो आपका स्टेप है, पैटर्न है, वो ये है कि आप पहले नंबर्स को काउंट कर लें। 1 2 3 4 5, 5 का आप होल स्क्वायर करिए। 5 × 5 = 25। ये देखिए स्टूडेंट हमने सम फाइंड कर लिया है। और आप चेक भी कर सकते हैं 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 9 = 18, 18 + 18 = 18 and 19, 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक नंबर यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ 7 नहीं अभी आया। देखिए 7 लेंगे, 7 और 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5, 5 का आपने होल स्क्वायर किया। 5 × 5 = 25। चेक भी कर सकते हैं 1 + 3 = 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16, 16 + 9 = 25। ओके क्लियर, इजी है स्टूडेंट, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। सेम वही रूल आपका स्टूडेंट, काउंट करिए नंबर्स कितने हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन स्क्वायर ऑफ 12, 12 × 12 = 144। दिस इज द सम ऑफ दीज नंबर, क्लियर। एंड आफ्टर दिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 7 का, अपोजिट स्टूडेंट या इन्वर्स कह सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कि हमें जो नंबर दिया हुआ है उसको हमें एक्सप्रेस करना है जिनका सम सेम वही नंबर आ जाए। तो हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करना है, क्लियर। इन्वर्स है कर सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ फर्स्ट पार्ट सेकंड स्टूडेंट सेम आप कर लेंगे, उसी तरीके से ट्राई करेंगे। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। सो 7 ऑड नंबर्स स्टूडेंट देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9
plus 11 plus 13. सो 7 7 जा 49, आप ऐड करेंगे 49 ही आपको आंसर मिलेगा. क्लियर. एंड नेक्स्ट है 121, इसको भी आप कर लेंगे. ओके, सेम इसी तरीके से. सो स्टूडेंट चलें नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है. हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. नाइन्थ क्वेश्चन. फर्स्ट, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13 के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट, उसके बिटवीन कितने नंबर्स होंगे हमें ये फाइंड करना है. तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, इसके लिए भी स्टूडेंट हम आपको एक पैटर्न एक मेथड दे रहे हैं और उसी से आप फाइंड कर लेंगे. तो देखिए 12 एंड 13 तो कंटिन्यूस नंबर हैं. देखिए कंटिन्यूस नंबर है, यहाँ पर कंसेक्यूटिव कह सकते हैं 12 एंड 13, 14 15 15 16, इस तरह से कंटिन्यूस होंगे. तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, लेट n इक्वल टू 12 एंड n प्लस 1 नेक्स्ट नंबर 13. क्लियर. n प्लस 1. सो नंबर्स lie between equal to 2n. Student, 2n ये formula है. Then 2 multiply n equal to 12 equal to 24. So student, हमने यहाँ पर find कर लिया है कि अगर हम 12 and 13 का square करते हैं तो इनके between कितने, हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर्स होंगे. तो आंसर हमें मिला है 24. इसके लिए आपको स्क्वायर नहीं करना है, आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए. नंबर्स लाई बिटवीन इक्वल टू 2n, फर्स्ट नंबर इज n, देन सेकंड नंबर इज n प्लस 1, कंसेक्यूटिव है, लगातार अगला नंबर है. तो हमें किसका करना है डबल, n का, 2n, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे. सो आई होप दैट स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको क्लियर हो गया होगा. इसको आप कंप्लीट कर लेंगे नोटबुक में. नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.